टॉप न्यूज नेटवर्क्स आपको लाया है मेरे यानी कि पूर्णिमा के साथ आज वर्ली सी फेस पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसका ऑफिशियल नाम है राजीव गांधी सी लिंक। बांद्रा वर्ली सी लिंक बांद्रा और वर्ली को जोड़ता है, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी को केवल 10 मिनट में तय कर देता है। इस वर्ली सी लिंक को बनाने के लिए तकरीबन 10 साल लगे, यानी कि इसका काम 1999 में बाल ठाकरे से शुरू हुआ था, जो कि 2009 में खत्म हुआ। बांद्रा वर्ली सी लिंक को बनाने में काफ़ी लोगों की बहुत मेहनत लगी है। इसके अलावा गवर्नमेंट और MSRDC को छोड़कर इसके जो वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की। भारी लटे, हाई टाइड्स, इनसे जूझते हुए उन्होंने इसका काम 10 साल में पूरा किया। साढ़े 5 किलोमीटर लंबा ये बांद्रा वर्ली सी लिंक आपको अरेबियन सागर में आसमान को छूने का एहसास दिलाता है। ये बांद्रा वर्ली सी लिंक एक दिन में तकरीबन 37,500 व्हीकल्स को ढोता है, यानी कि यहाँ से इतनी सारी व्हीकल्स एक दिन में पास होती है। यहाँ आने के लिए आप कैब, ऑटो, टैक्सी, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक से अगर आप गुजरना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा टोल टैक्स देना होगा, जो कि पर्सनल कार्स और कैब्स के लिए 70 रुपीज़ और लोकोमोटिव व्हीकल्स के लिए यानी LCVs के लिए 110 रुपीज़ और हैवी व्हीकल्स के लिए 145 रुपीज़ है। साढ़े 5 किलोमीटर लंबे होने वाले हमारे बांद्रा वर्ली सी लिंक की लंबाई कुतुब मीनार को अगर 63 बार हम मल्टीप्लाई कर दें उतनी है। ऑल्सो द वेट ऑफ बांद्रा वर्ली सी लिंक इज इक्वल टू 50,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स। वाओ! और हमने बीच में आते आते जो एक बड़ा टॉवर देखा, यानी कि जो केबल्स अटैच हैं, वो 43 स्टोरी लंबे टॉवर जितनी है। अमेजिंग! बांद्रा वर्ली सी लिंक को 160 केबल्स एक साथ जोड़ती है। अगर हम इन्हीं केबल्स को निकाल के एक साथ लंबाई में जोड़ दें तो वो शायद आधी पृथ्वी को नाप सकता है। और वर्ली सी फेस की सबसे अच्छी बात कि अब वर्ली सी फेस पर दिन में कभी भी आप अपने दोस्तों के साथ आकर वर्ली बांद्रा सी फेस को ताक सकते हैं और सुकून से बैठ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बांद्रा वर्ली सी लिंक का सफर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स को सब्सक्राइब कीजिए मेरे पूर्णिमा के साथ। अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन देना होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।